कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुई है। झड़प के दौरान कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। घटना 9 दिसंबर की है। अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। सैनिकों में कई के हाथ और पैर टूटने की खबर है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस हिंसक झड़प में हमारे सैनिकों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय जवानों ने चीनी जवानों को खदेड़ के भगा दिया। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमें अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। गौरव हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, साल 2017 में भी डोकलाम में सेनाएं पहली बार आमने सामने आई थी, तब से अब तक दोनों देशों के बीच मतभेद जारी हैं। अब फिर एक बार 9 दिसंबर को आमने सामने फिर एक बार ये वारदात हुई है। दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई हैं जिसमें झड़प हुई है। झड़प में लोगों को चोटें भी काफ़ी आई, गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें जो भारतीय सेना के जवान हैं उनका भी इलाज जारी है। इसको लेकर आपके पास क्या ताज़ा खबर है इस समय? मनीष, ये पहला मामला नहीं कि चीन इस तरह की हरकत करता है, और चीन की पहले भी हरकतें हुई हैं। चाहे हम दोगलाम की बात करें, चाहे गलवान घाटी की बात करो, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर तवांग घाटी में चीन की जो PLA है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके द्वारा यहाँ पर सेक्टर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया और प्रयास करने का मौका ही नहीं दिया और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। और इसकी पुष्टि केवल और केवल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में नहीं की है, बल्कि इसकी पुष्टि अगर हम बात करें तो चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता बान सी हान का इसमें बयान भी आया है। उन्होंने कहा कहीं जो LAC बने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर स्थिर नियंत्रित और स्थिर है और नियंत्रित है, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने बयान दिया है कुछ ना कुछ घटना वहाँ पर हुई है। और घटना ये है जो कि राजनाथ सिंह बताया कि 9 दिसंबर 2022 को वहाँ पर जो चीनी सैनिक थे वो तवांग घाटी में आए थे और उन्होंने वहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, और उसके बाद हमारे सैनिकों ने वहाँ पर गलवान डोकलाम की तरह वहाँ पर अपनी क्षमता का परिचय देती हुई और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। फिलहाल चीन के प्रयास को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है, और इसको लेकर आज सुबह बैठक भी बुलाई थी। बता रहे मनीष, यहाँ पर रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी, इसमें आपके सलाहकार हैं अजीत डोभाल के अलावा, जो आपके CDS हैं अनिल चौहान, इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, इसके अलावा आप जो वायुसेना प्रमुख हैं BR चौधरी, और जो नौसेना एडमिरल हैं आरहरी कुमार, ये सभी पाँच से छः लोग इसमें शामिल हुए थे। विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल हुए थे और इस पर गहन चर्चा हुई थी। चूँकि शीतकालीन सत्र में आज चल रहा है और वहाँ पर चर्चाएं चल रही थी और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जानकारी मांग रहा था, तो वहाँ पर अच्छा मंत्री ने पूरी इस बार की जानकारी दी और बताया है किस तरह से घटना हुई थी। और यहाँ पर हमारे सैनिकों ने अक्षम्य साहस का परिचय दिखाते हुए चीन के उन मनसूबों को नाकाम कर दिया कि चीन हमेशा सोचता है कि LAC पे आकर जो कुछ सेक्टर है उन पर कब्जा किया जाए। गौरव, साल 2020-2021 में गलवान में ज़बरदस्त खूनी झड़प हुई थी, जिसके लेके चीन अभी भी कहीं ना कहीं कट गया क्या तकलीफ महसूस करता है। इस खूनी झड़प के बारे में हमारे दर्शकों को भी मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो आपको बता दें कि चीन का जो विस्तारवादी रवैया है उसको लेकर बराबर भारत और चीन के बीच में झड़प होती रही है, जिसको लेकर इससे पहले भी झड़प काफ़ी खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें बड़ी संख्या में चीन के जवान शहीद हुए थे और भारत को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और आज फिर 9 दिसंबर को फिर ये झड़प हुई है, जिसमें चीनी सैनिक और भारतीय जवानों के बीच में ये झड़प उतना खूनी संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी गंभीर चोटें भारतीय जवानों को आई हैं। गौरव, भारत और चीनी सेना के बीच में एक बार फिर से झड़प हुई है, आपको लेकर अभी तक क्या जानकारी इसको लेकर उपलब्ध है, और आपको क्या लगता है कि चीन इसको लेकर अब शांत बैठेगा
क्योंकि उसको एक बार हार का सामना करना पड़ रहा है, उसकी किरकिरी हो चुकी है, अब फिर वो कहीं ना कहीं भारत पे उकसावे की ये एक जो रणनीति है उसको अपना रहा है और कहीं ना कहीं भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत ही बार बार ये वारदात हो रही है। आप देखिए मनीष, देखिए मनीष, चीन की पहली ऐसी हरकत नहीं है, इसके पहले भी वो हरकत कर चुका है। मैंने आपको बताया दोकलम गलवान घाटी इसके साक्षर उदाहरण है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में उन्होंने फिर ये दुस्साहस किया था, 9 दिसंबर का मामला है। रक्षा मंत्री शीतकालीन सत्र में आज बोल रहे थे, उन्होंने इस पूरे मामले से विपक्ष को, जनता को अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर हमारे जवानों ने अदम्य साहस का पर्चा दिखाते हुए चीन के उन्हीं मनसूबों को नाकाम कर दिया, जैसा कि पर्चा हमने दोकलम गलवान में लिया था। और निश्चित रूप से यहाँ पर आज एक सुबह बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें आपके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर वो भी शामिल हुए थे। इसके अलावा जो CDS हैं अनिल चौहान वो भी शामिल हुए थे, वायुसेना प्रमुख जो प्रभाकर चौधरी, नौसेना प्रमुख RV हरि कुमार, और जो इसके अलावा जो आपके रक्षा सचिव है वो भी इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर चर्चा हुई थी, बैठक हुआ था, और बैठक में यहाँ पर चर्चा की गई कि किस तरह से चीन से निपटना है, क्योंकि LAC पे चीन का पहला मामला नहीं है मनीष। समय समय इस तरह की हरकत वो करता रहता है। और यहाँ पर चीन के मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बिंग यांग, उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति LAC पर स्थिर और नियंत्रित है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया है, वो भी समझ सकते हैं। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है, और चीन पर यह जो बयान उन्होंने दिया है उनके प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, तो स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं घटना हुई थी और चीन फिलहाल उससे अपना पल्लू झाड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए चीन के उन मंसूबों को नाकाम कर दिया, जहाँ पर त्वांग घाटी में यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे मनीष। गौरव, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया है, पर इस पर क्या कहना है आपका कि वो कहाँ तक उन्होंने इसको डिफेंड किया है कि हम अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे और चीन को किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देंगे? देखिए मैं मनीष, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, तो यहाँ पर जिस तरह से काम किया गया और ये बताया गया है कि हमने मेहनत की है और हम किसी भी कीमत पे चीन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको अपने सेक्टर में कब्जा नहीं करने देंगे। और अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 इंच भी ज़मीन हमारी चीन कब्जा नहीं कर सकता है, अब चीन की वो क्षमता नहीं है और चिंता हम उनको मौका नहीं देगी, हम 1 इंच भी ज़मीन यहाँ पर कब्जा करें। और हम देख रहे हैं लगातार कई सालों से जब भी चीन ऐसा दुस्साहस करता है तो वहाँ पर हमारे लोग, हमारे सैनिक अदम्य साहस का पर्चा दिखाते चीन के मनसूबों को नाकाम कर देते हैं। और निश्चित रूप से विश्व स्तर पर भारत की जो छवि है उसको बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर काम है, और आने वाले समय में भी भारत का वो स्थिति बनेगी कि कोई भी बड़ा देश, कोई भी पड़ोसी देश भारत पर किसी भी सेक्टर को कब्जा करने का दुस्साहस नहीं करेगा। गौरव, आपको क्या लगता है कि चीन कौन सी ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसको लेकर बार बार वो भारतीय सेना पे LOC को लेकर घुसता है और जबरदस्ती इस तरह के आपसी द्वंद होते हैं, आपसी लड़ाइयां होती हैं जिसमें काफी क्षति भी होती है, ऐसा क्या कारण है कि चीन बराबर असम को अपना हिस्सा बता रहा है? दे मनी, चीन का ऐसा नहीं है, चीन पहले भी आपको बता दूँ अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आ रहा है, तिब्बत को अपना हिस्सा बताता आ रहा है, और चीन का ऐसा पहला कारनामा नहीं है। समय समय पर चीन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा क्षेत्र है, तिब्बत है उसका क्षेत्र, वो बताते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है वो साफ झलकाती है कि चीन की जो नेचर है या जो उसकी व्यवस्थाएँ हैं वो ख़राब है, और हमेशा दूसरे देशों में कब्जा करना, दूसरे देशों को अपनी नियति के से वाकिफ कराना, चीन की स्थिति बनती रहती है। और फिलहाल जो स्थिति है उस पर यहाँ पर भारतीय जनता आर्मी ने यहाँ पर बेहतर जवाब दिया है, साहस का पर्चा दिया है, फिलहाल चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बैठक भी हो गई और बैठक में भी अमित शाह साफ बोल चुके हैं कि चीन हमारी 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं कर सकता है। राजनाथ सिंह ने बैठक किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में ही उस क्षेत्र में गेम चलकमी बढ़ाई जाएगी और निश्चित रूप से वहाँ पर सेना का इस सेक्टर को और वहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में चीन ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। जी गौरव, चीन बराबर अपनी विस्तारवादी नीतियों को अपना कर असम या अरुणाचल प्रदेश जहां देखिए वहां पर अपनी सीमा को विस्तार करने के इरादे से इन झड़पों को अंजाम देता है और जिससे दोनों तरफ ही क्षति का माहौल होता है और सेनाओं में और देश में आपसी विवाद पैदा होता है। फिलहाल गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। मथुरा पहुंचकर CM योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ CM योगी ने जिले में 110 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मालूम हो कि CM योगी ने इस पूरे नगर निगम क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है और ये उनका आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन था। इस खबर हमारे साथ सुहानी मौजूद हैं। सुहानी, कई योजनाओं को लेकर CM ने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपने इस संबोधन में गाइडलाइन जरूर दी हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी
जी मनीष, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो बुद्ध वर्ग सम्मेलन है सिर्फ कहने की बात है, ये पूरे जो ग्राफ तैयार हो रहा है, एक पूरी अलग तरह से देखिए पूरा निकाय चुनाव के लिए तैयारी हो रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जाके, हर देश प्रदेश में जाके वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, हर जगह जाके ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है। ये आखिरी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था उनका मथुरा का, और वहाँ पर उन्होंने जाके वहाँ के तमाम ऐसी जो भी परेशानियां थी उनके बारे में खुल के बात की, वहां के अफसरों से बात किए और वहां के गौशालाओं के बारे में कई योजनाएं बताए और किसानों के बारे में भी बात किए। तो ऐसे तमाम जो वहां की परेशानियां थी उस पर बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि 5 सालों में जो मथुरा है वो एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है, बहुत इसमें बदलाव हुआ है। तो आगे भी चाहेंगे कि जो भी चुनाव हो उसमें भाजपा की जीत हो, और हर तबके से जो देखा जाए तो मथुरा अब एक अलग तरह से दिख रही है और यहाँ विकास भी हो रहा है। तो पूरी तरह से जो योगी आदित्यनाथ का ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है ये निकाय चुनाव के लिए हो रहा है, क्योंकि आपने भी देखा कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें भाजपा की जो हार हुई है रामपुर और वहां पे खतौली और वहाँ पे तो मैनपुरी में, तो उसका कहीं ना कहीं भरपाया करने के लिए जो भाजपा है वो पूरी तरह से तैयारी कर रही है निकाय चुनाव के, चाहे सपा भी तैयारी कर रही है। तो ये निकाय चुनाव जो है पूरी तरह से 2024 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे सभी पार्टियां लगातार इसमें जो अपनी रैलियाँ कर रही हैं, तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई हैं। जी सुहान, इसी को लेकर सीएम योगी ने बैठक भी कही थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे, और कहीं ना कहीं ये नगर निकाय चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने की और एक अग्रसर एक पहल है, और इसी को लेकर जो ये इन्होंने अपनी खतौली और मैनपुरी किसी लूज की थी, लेकिन अब ये बीजेपी इसे एक सबक लेकर अब चाहती है कि निकाय चुनाव को लेकर भी इनको कोई भी इस प्रकार का भारी नुकसान ना उठाना पड़े और उनके संगठन हर क्षेत्र में मजबूत हो। इसी को लेकर क्या आपको लगता है कि ये एक नई रणनीति के तहत ये प्रबुद्धजन सम्मेलन जगह जगह पर हो रहे थे? जी 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 मनीष, आपको बता दें कि जो इस बार सपा की जो जीत हुई है मैनपुरी में, ऐतिहासिक जीत हुई है, जो कि शिवपाल के इसमें बड़ा हाथ दिख रहा है, तो वो भी एक अलग रणनीति से इस बार मैदान में उतरे हैं। पूरा जो समाजवादी पार्टी है पूरा परिवार एक हो गया है, तो इनकी भी एक रणनीति अलग से दिख रही है। तो वही दूसरी तरफ जो भाजपा है वो पूरे अपने नेताओं के साथ एक रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जो वो इस बार उनकी हानि हुई है एक बार मैनपुरी में चाहे या खतौली में, तो एक बहुत बड़ी इसको अलग से हानि देखा जा सकता है। तो सबको भरपाया करने के लिए योगी सरकार अपने पूरे एक टीम को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि उनको अब जो निकाय चुनाव है वो 2024 पूरी तरह से इसे जोड़ा जा रहा है और एक अलग इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि इसीलिए वो हर जगह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। और उन्होंने फिलहाल में उन्होंने एक बयान भी दिया था, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार हो या दुष्कर्म हो वो बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोकने के लिए उन्होंने खुलेआम बोला था कि एक चौराहे पे आप छड़खानी करेंगे, दूसरे छड़खानी पे ढेर हो जाएंगे। तो ऐसी कई सुविधाएं ला रहे हैं महिलाओं के लिए या जो बेरोजगारी हो उनके लिए भी ला रहे हैं। तो ये सब देखते ही वो पूरे जो रणनीति है ये निकाय चुनाव को पूरी तरह से जोड़ा जा रहा है। जी सुहानी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारियां दिख रही हैं। बीजेपी एक और जहां फिर से पसमांदा समाज पर दांव खेल सकती है। खबर आ रही है कि बीजेपी पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दे सकती है। साथ ही बीजेपी सभी 17 नगर निगम सीटों पर भाजपा पसमांदा मुस्लिम समाज का सम्मेलन करवाएगी। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही हैं। विवेक शाही, पसमांदा समाज का फिर से एक बार नाम सामने आ रहा है, इससे पहले भी उपचुनाव को लेकर भी पसमांदा समाज को साधने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत चाहे सीएम योगी हों, चाहे डिप्टी सीएम विजय पाठक हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, इन्होंने जनसम्मेलन किया था, जनसभा को संबोधित किया था और पसमांदा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी योजनाएं भी बताई थी। अब इसी को लेकर अब फिर से पसमांदा समाज को साधने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? बीजेपी पे शुरू से ही जो है आरोप लगते रहे हैं कि वो कट्टर हिंदुत्वपाती है और मुसलमानों को साथ लेकर चलना नहीं जाती है, चाहे वो एआईएम के मुखिया आशुतोष वेसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों को घेरने की कोशिश करती रहती है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, हमेशा है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों को घेरने की कोशिश की जाती है कि वो मुस्लिमों का हित नहीं चाहते हैं, वो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और लोगों को जो है धर्म का अपील जो है 2014 के बाद से सुना दिया गया है, और लोग जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपचुनाव से लेकर अब तक जो है लगातार जो है
वो पसमंदा मुस्लिम समाज का सम्मेलन करा रही है। मैं आपको बता दूं कि पसमंदा का अर्थ होता है पिछड़ा हुआ, यानी जो छूट गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व वोटर है, मुस्लिम वोटर, उनको साधने की कोशिश कर रही है आने वाले चुनाव में। अगले अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का आगामी चुनाव भी होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की राजनीति है, जो दिल्ली का सत्ता है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और हमें मुसलमानों का साथ बेहद जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार उनका फोकस इस बात पे है कैसे मुस्लिम समाज को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। इसलिए वो उपचुनाव से लेकर अब तक जो है, इसके पहले सहारनपुर में रैली हुई थी, पसमंदा सम्मेलन हुआ था, रामपुर में हुआ था, बरेली में हुआ था, लगातार ये सम्मेलन कराते जा रहे हैं। और आने वाले जो नगर निगम चुनाव की अगर बात की जाए तो कुल जो 17 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कुल सीटों पे जो है वो मुस्लिम पसमंदा सम्मेलन कराएगी और पसमंदा समाज के जो मुसलमान है उनको प्रत्याशी के तौर पे उतारेगी भी, उनको टिकट भी देगी और उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। विवेक, आपको क्या लगता है कि रामपुर में जब पसमंदा समाज के जो सम्मेलन किया गया था, उनको संबोधित किया गया था, उसके बाद जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पसमंदा समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी के सपोर्ट में आ गया, क्या फिर ये नगर निगम चुनाव को लेकर फिर यही कहीं बीजेपी इस दांव को आगे दोहराना चाहती है? देखिए मनीष, बात सिर्फ नगर निगम चुनाव तक ही सीमित नहीं है। हम सभी को पता है कि 1.5 साल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो समाजवादी पार्टी की जो कोर वोटर, जिसे मुस्लिम समाज को कह सकते हैं, चाहे वो बसपा को भी मुस्लिम समाज वोट देता रहता है, और अगर लोकसभा में बात करें तो कांग्रेस का भी काफी सालों से एक कोर वोटर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी तमाम विपक्षी पार्टियों के कोर वोटर को जो है अब वो अटैक करना चाहती है, उनको अपने खेमे में लाना चाहती है और इस भ्रांति को दूर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का सम्मान नहीं है। इन जो भ्रांतियां जो लोगों ने फैलाई हुई है, विपक्ष ने फैलाया हुआ लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसको दूर करने के लिए पसमंदा सम्मेलन किया जा रहा है, पसमंदा समाज के मुस्लिमों को साथ लेकर चलने की बात की जाती है, सभी सीटों पर जो है इनको जो नगर निकाय चुनाव आने वाला है उन पे सम्मेलन करने की बात की जाती है और आगामी इस निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में पसमंदा समाज से आने वाले मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट भी देने वाली है, ताकि इससे स्थिति स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा सम्मान है, पूरा सहयोग है, उनके सहयोग के बिना जो है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति जो है वो संभव नहीं है। ये हम सभी जानते हैं और इस प्रकार से जो है चीजें चल रही है। वही जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो रामपुर में उपचुनाव में जीत मिली है, लगातार वो बयान दे रहे हैं कि जो पसमंदा समाज का हमने सम्मेलन सहारनपुर, रामपुर और बरेली में कराया था, उसका काफी ज्यादा फायदा हमको मिला है और हमारे जो मुस्लिम वोट है, जो पहले उन्हें वोट मिलता था, उसमें काफी ज्यादा वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी भी हुई है। मनीष, कहीं ना कहीं विवेक, आप ये मानते हैं कि पसमंदा समाज का जो सम्मेलन कराया गया उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है, अब क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अभी तक जो देखा जाए पसमंदा समाज के किसी तबके को टिकट शायद नहीं दिया है, लेकिन अब सत्ता नगम जो सीटों का भाजपा पसमंदा समाज का सम्मेलन करने जा रही है, क्या उन्हीं में से पसमंदा समाज के किसी व्यक्ति को आगे लाने का कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि उनको टिकट मिल जाए, कैसे कुछ संभावनाएं लगती हैं आपको? जी बिल्कुल, अगर नगर निगम के चुनाव में कुल 17 सीटों हैं, पिछले बार 16 सीटों में 14 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति अब ऐसी नहीं है क्योंकि उपचुनाव में करारी हार हो चुकी है, दिल्ली एमसीडी में भी हार चुके हैं, गुजरात में ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन हिमाचल में इनकी सरकार जा चुकी है। 1.5 सालों में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो पसमंदा समाज को आगे करने का इससे बढ़िया मौका भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी पहले से जानती है, उसके पदाधिकारी पहले से जानते हैं, संगठन ये पहले से जानता है, इसीलिए इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल पिछले 2-3 दिन में तमाम बैठकें जो है सीएम आवास से लेके प्रदेश कार्यालय पे होती रही है, निकाय चुनाव को लेके मंथन किया जा रहा है, कहां संगठन में कमी रही इसकी बात किया जा रहा है और आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, यहां आपको मुस्लिम समाज से, जो पसमंदा समाज से जो है प्रत्याशी देखने को मिल सकते हैं और इसके बाद जो है जो आगामी लोकसभा चुनाव है वहां भी मुस्लिम समाज के पसमंदा जो समाज है, पसमंदा समाज के लोग हैं, उनको जो है लोकसभा से टिकट मिलने की प्रबल संभावना भी दिखाई जा रही है, क्योंकि जो 80 सीटें हैं यूपी की, यही 80 सीटें लोकसभा में दिल्ली की राजनीति तय करती है मनीष, और इतना आसान नहीं होगा। हम एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ के कोई भी पार्टी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी बात जानती है। मनीष जी, विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोका है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।
इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अवैस जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई कई रोक को बुधवार तक जारी रखने के आदेश दिए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लेकर ये थी जिसको लेकर जो है निर्वाचन आयोग से जो है जवाब मांगा था, जिसको लेकर सोमवार को रोक लगाई गई थी, और ये जो रोक है ये जो है कल तक के जो है जारी रहेगी। जी मनीष, मोहम्मद, याचिकाओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर क्या आरोप लगाए हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें मनीष, देखिए ओबीसी आरक्षण की मांग थी, और ओबीसी आरक्षण जो थे उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है उन्होंने आरोप लगाए थे और याचिका दी थी, जिसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट में जो है आज फिर उसी पे रोक लगा दी गई है, और जो दूसरी जो कल तक के इस रोक को जारी रखने की बात आ रही है। जी मोहम्मद, अगर याचिकाओं की जीत होती है तो सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर याचिकाकर्ताओं की जो है अगर जीत होती है तो इस पे जो है इन लोगों को आरक्षण मिलेगा, अगर आरक्षण मिल गया तो इन लोगों की मांगे पूरी होंगी। इन लोगों का इसी बात को लेकर ही सारी चीजें हो रही हैं, और अगर ये यहाँ से इन लोगों को रिलीफ मिलती है तो देखिए आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जी मोहम्मद अवैस, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना है। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।